अगर आपके घर पे छत पे कोई एक छोटा सा रूम है 10 बाई 10 का है, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। फिर जैसे जैसे काम आपका बढ़ेगा फिर उसके हिसाब से आपको जगह देखनी पड़ेगी। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं यूपी औरैया से हूँ। इस काम को सीखने में हम लोग अगर सिखाते हैं तो 2 से 3 दिन लगता है। अच्छा। अगर कोई भी अगर हमारे लड़के को बुला के सीखना चाहता है वो भी हम लोग करते हैं। अच्छा। और उस इसका काम इतना बढ़िया है लेकिन लोग इस काम को छोटा समझते हैं, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। अच्छा। अगर कोई करने वाला होता है तो बढ़िया सैलरी भी, अगर सैलरी पे भी करता है तो 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी महीने की उठा सकता है। अच्छा। और अगर कोई प्रोटेक्शन के ऊपर कर रहा है काम तो वो 20 से 25 तक अपना प्रोडक्शन के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने इनको बोला कि भाई साहब मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, अपने काम को छोड़ दो, थोड़ा वीडियो बनवा लो। ये कह रहे हैं काम को नहीं छोड़ने वाले, आप चलते चलते मैं वीडियो बनाइए। मतलब ये इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं, मतलब एक एक सेकंड इनका बहुत कीमती है। तो ये भी भरपूर मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कमा सकें। तो आप भी इस तरीके से अपनी स्किल्ड लेबर बिठा सकते हैं, उनको भी इंसेंटिव बेसिस पे आप काम दे सकते हैं या फिर सैलरी बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। इसको जितना गंदा रखोगे उतनी ज़्यादा चलेगी। भाई ऐसी कौन सा जुगाड़ होने वाला है, ऐसी कौन सी मशीन होने वाली है जिसको कपड़ा मारने की भी जरूरत नहीं है। और बहुत ही एक छोटा सा सेटअप आप इसको लगा सकते हैं और इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ आपको दिखाने वाला हूं जिसने बड़ी बड़ी मशीनों को फेल कर रखा है। और दोस्तों प्रोडक्ट ऐसा रहने वाला है जिसकी जो डिमांड आती है ना हर जगह से आएगी आपके पास, और आपको इस प्रोडक्ट को कहीं बेचने की जरूरत नहीं है और ना कहीं लेने की जरूरत है, मतलब ना आपको खरीदना है और ना बेचना है। आप इस तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हैं जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से आप भी अपने एरिया में लोगों को पैकेजिंग का काम दे सकते हैं, बस तोड़ो मोड़ो पैक करो और बेच दो। इस तरह का प्रोडक्शन दोस्तों आप भी कर सकते हैं, इस तरह की स्किल्ड लेबर आप भी बिठा सकते हैं और आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती थी, उन लाखों रुपये की मशीनों को आपको लेने की जरूरत नहीं है। इस देसी जुगाड़ से एक छोटा सा सेटअप है, इस सेटअप से दोस्तों आप इस आइटम को बना सकते हैं। कंपनी की तरफ से एक वर्कर भेज दिया जाएगा, उस वर्कर के थ्रू आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही आप एक दो दिन में सीख लेते हैं और 2-3 दिन में ही आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं या फिर अपना लेबर बिठा कर भी इस काम को किया जा सकता है। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मशीन मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो सिर्फ मशीनें निकालना जानते हैं, लेकिन आप खुद मतलब एज रिटेल में काम कर रहे हैं, मतलब खुद ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, आप सप्लाई करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। उनको बेचना नहीं आता लोगों को, सिर्फ ओनली मशीनें बेचना जानते हैं, लेकिन कस्टमर के एंड पे क्या प्रॉब्लम आती है या काफ़ी आपका अच्छा प्लस पॉइंट है। सर होता क्या है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग मशीनें बना रहे हैं बेच रहे हैं, हमारे पास से जो भी ये सेटअप ले रहा है अगर उसको कहीं कोई बनाने में कोई कमी आती है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो, तो वो हमको वीडियो कॉल के थ्रू कॉल कर ले, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर ले। फिर भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो वो एक कारीगर हमारा हायर कर सकता है कुछ दिनों के लिए, उसके जो भी चार्जेस हैं वो हम आपको बता देंगे। सबसे पहले काम शुरू करने के लिए आपको इस टाइप के बंडल लेने हैं, ये इलेक्ट्रिकल पाइप के बंडल हैं और इनको हमने यहाँ पे एक टेबल पे सेट कर दिया है कटर में और छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इस तरीके से जो पीस काटे उनको यहाँ पे एक अच्छे वे में लगा दिया है, ठीक है, ताकि हमको पीस को उठाने में आसानी रहे, इसलिए एक थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको लगा लिया। हीटर गर्म है, उसके अंदर हमने पीस डाल दिए। अब हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से हीट हो जाए और हीट होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको लगभग हीट होने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको बीच में चेक करते रहना चाहिए कि हमारा पाइप गर्म हो गया है या नहीं हुआ है, उसको थोड़ा सा आपको बीच बीच में चेक करना चाहिए, जैसे लड़का इसमें चेक कर रहा है दबा दबा के। जब आप ऐसे दबाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बीच में बहुत सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए, ये चेक किया जाता है कि हमारा माल गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। जब ये और मुलायम हो जाएगा तब हमको इसे निकालना रहेगा, ये देखिए, एक गुल्ली है, पाइप को गुल्ली में लगाया, रेत को डाला, एक गुल्ली ऊपर से लगा के ठोका और बेंड कर दिया।
जितने पीस निकले उतने ही पीस वापस हीटर में लगा दिए गए, ताकि जब नीचे वाला माल बने तब तक ऊपर वाला माल और भी हीट हो जाएगा जो अभी लगाया है। बेंड हो जाने के बाद में अभी इसमें एक प्रोसेस और बाकी है कि इसमें पाइप कैसे लगाएंगे। पाइप लगाने के लिए इसमें सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। सॉकेट कैसे बनता है अब हम वो दिखाते हैं आपको, वो रनिंग है। आइए, जैसे कि उन्होंने अभी मोड़ना स्टार्ट किया है, ये काफ़ी देर पहले से मोड़ के बैठ चुका है, अब ये सॉकेट की प्रोसेस शुरू कर रहा है। ये सॉकेट एक तरफ लग गया, उसने पलट के दूसरी साइड भी लगा दिया हीटर में, ताकि दोनों साइड में ही ये सॉकेट लग जाए। ये देखिए, ये दो डाइयों को लिए हुए है, एक डाई को लगाता है पानी में रखता है और दूसरी डाई को उठा लेता है। यहाँ पे ये एक डाई को यूज़ नहीं कर रहा है, दो डाइयों को यूज़ कर रहा है। सॉकेट करने के लिए हमेशा दो डाई का ही यूज़ करना चाहिए, ताकि अल्टरनेट वे पे वो रहे। इधर देखिए, दोनों तरफ सॉकेट हो जाने के बाद में ये सॉकेट लग चुका है हमारा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और अब ये पूरा बेंड तैयार है। तो बेंडिंग और सॉकेट, ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ये जैसे आपके सामने माल पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल फिनिश है। अब इसके बाद ये पन्नी में अपने पैक कर रहे हैं पूरा माल। ये 24 पीस भरते हैं, कहीं कहीं पर लोग 12 पीस भरते हैं। तो जैसा भी आपका मार्केट का एरिया, जो भी जैसा भी हो, जैसा भी जो डिमांड आ रही हो, उसके हिसाब से आप अपनी पन्नी वगैरह पैक करिए। पैक होने के बाद भी इनको हम लोग एक बड़े बोरे में भर देंगे, और इसके बाद जहाँ भी हमको ये माल डिस्पैच करना है वहाँ इसको भेज दिया जाएगा। आपने कहा कि कपड़ा मारोगे तो ख़राब हो जाएगा, नहीं मारोगे तो चलता रहेगा, मतलब ऐसा क्या, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जीपी शीट मटेरियल है। तो होता क्या है कि अगर एक कंडीशन आती है जब ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका होता है, फिर एक टाइम आता है ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो गर्म ठंडा और एक नमी वाला जब मौसम आता है, तो इन सब के बीच में क्या होता है कि ये धीमे धीमे गलना शुरू हो जाता है। तो जब ये गलता है और आप उस पर कपड़ा मार देते हैं, तो जो उसकी लेयर होती है वो हट चुकी होती है। तो धीमे धीमे कपड़ा मार के पूरा हीटर आप बेकार कर चुके होते हैं। अगर इसकी लाइफ एक साल है तो आप 6 महीने में ही इसको ख़त्म कर देंगे। और अगर इस पर कपड़ा नहीं मारते हैं, डस्ट जमा है या कुछ कचरा जमा हो चुका है, आपकी रेत इसके ऊपर गिर गई है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली हीटर को ऐसे पलट देना है और वापस रख देना है। जो धूल होगी गिर जाएगी, और जो नहीं गिर रही है उसको बना रहने दो, वो फिर भी काम अच्छा करेगी। देखिए, जैसा आपको मैंने बताया था ना कि पैकिंग हो रही है, ये फाइनल टच है। पैकिंग हो जाने के बाद में ये इसको सील कर रहे हैं, और जो हीटर आप यूज़ करते हैं बैंड बनाने और सॉकेट के लिए, ये वही हीटर है, और उसी पे सीलिंग का भी आपका प्रोसेस हो जाएगा। अलग से सीलर लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको अलग से सीलिंग मशीन या सीलर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका काम आपके ही प्रोडक्ट पे हो रहा है, तो कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी प्रोडक्शन जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब एक दिन का प्रोडक्शन है। ये सारा माल सील भी हो गया, बन भी गया, सब कुछ हो गया। अब होता क्या है कि हमें इन्हें बोरियों में भरना होता है बेचने के लिए। तो अब यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है बोरियों को भरने का। ये बोरी कहीं पे छोटी या कहीं पे बड़ी हो सकती है, जिसमें भी आपको जो भी सुविधाजनक मिल जाए आप उसके अकॉर्डिंग ये बोरी को परचेस कर सकते हैं। इसका कोई मानक नहीं है कि हमें इतने ही बड़ी बोरी चाहिए। अगर छोटी बोरी अगर आपको आसानी से मिल रही है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं और अपना माल उसमें भर सकते हैं। सबसे पहले ये आता है हमारा बेंडिंग हीटर, इसको बेंडिंग हीटर बोलते हैं। इसमें हम लोग पाइप को टुकड़े को रख के उसको गर्म करते हैं और मोड़ते हैं, ठीक। इसके बाद प्रोसेस आता है कि मोड़ने के लिए हमको एक प्लास्टिक की गुल्ली लगानी पड़ती है। वो ये एक गुल्ली रहती है, इस गुल्ली का हम लोग यूज़ करते हैं रेत को भरने के लिए। जैसे आपने देखा था लड़का उसके अंदर रेत भर रहा था, तो हम लोग पाइप को उठाते हैं, गर्म पाइप को जो सॉफ्ट हो चुका होता है उसको रखते हैं, इसके बाद रेत को अंदर भरते हैं। एक गुल्ली लकड़ी की कोई भी आप बना सकते हैं, ऊपर लगा के हल्का सा इसको ठोकते हैं एंड देन इसको बेंड करके पानी के डिब्बे में डाल देते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। तो पहले तो एक बेंडिंग हीटर आ गया, इसके साथ गुल्ली का यूज़ होगा रेत को रोकने के लिए। उसके बाद जब आपका बेंड तैयार हो जाता है, तो हमको ज़रूरत पड़ती है सॉकेट के लिए। सॉकेट के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चीज़, एक सॉकेट हीटर जो अच्छे ढंग का बना हो और उसका साइज़ भी अच्छा हो, ताकि पीस आपस में टकरा ना पाए, तो उसके लिए सॉकेट हीटर है।
सॉकेट हीटर में जब आपका आगे का ये इतना हिस्सा गर्म होगा, गर्म होने के बाद इसमें एक डाई लगानी पड़ेगी ताकि ये अपना साइज ले सके। उसके लिए ये दो डाइयों की जरूरत पड़ेगी जो अल्टरनेट चलेंगी। एक डाई लग के पानी में, इसके बाद दूसरी डाई लगा के पानी में, फिर पहले वाला पीस उठा के उस डाई को निकाल लेना है। ये जो 5 से 6 सेकंड पानी में पीस पड़ा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि पीवीसी अपना सेब अच्छे से ले ले डाई और इसका एक बढ़िया सा साइज तैयार हो जाए ताकि पाइप इसमें आसानी से फिट हो सके। इसलिए हम 5 से 6 सेकंड का टाइम लेते हैं और उस 5 से 6 सेकंड में हम लोग दूसरी डाई का यूज़ करते हैं। इसलिए दो डाइयों की ज़रूरत रहती है, ना 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा, सिर्फ 2 डाई इनफ हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हीट बहुत ज़्यादा हो गई, उसको हम कंट्रोल कैसे करें? तो उसके लिए ये कंट्रोल बॉक्स है, कंट्रोल पैनल बोलते हैं जिसको। इसमें एक लिखा हुआ है हीटर 1, इधर हीटर 2, और बीच में मेन लाइन आपको दिखाएगा कि क्या वोल्टेज आ रहा है आपके यहाँ। तो इस बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों हीटर इसी में कनेक्ट हो जाएंगे और ये 2 बटन लगे हुए हैं, इन्हीं से इनकी जो डिग्री है वो सेट हो जाएगी। इसमें डिग्री बनी हुई है। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि ना आपको खरीदने की ज़रूरत है ना बेचने की ज़रूरत है। इसका मतलब सर ये होता है कि जैसे आपने सेटअप लगाया, सेटअप लगाने के बाद आपके क्षेत्र में कोई ना कोई होलसेलर होगा या कोई बड़ा ट्रेडर होगा जो बल्क में काम करते हैं, आप उनसे बात करके अपना कोई एक मार्जिन सेट कर लेंगे, वो आपको पाइप दे देंगे, पाइप आप ले आएंगे, उसको जितने साइज का माल चाहिए, बैंड चाहिए, वो आपको सब बताएगा। आप उतने इंच के टुकड़े करिए पाइप के, बैंड बना के पन्नी में भर के और उस बड़े बैग में भर के आप उसको रिटर्न कर दीजिए। इस बीच में जो आपकी लागत लगी, जो बनवाई लगी, उसका खर्चा आप जोड़ लीजिए और वो पैसे आप उससे ले सकते हैं। मतलब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कस्टमर आपके पास आएगा, आपको सर्विस के पैसे देंगे, वो सर्विस के पैसे जो भी आपका चार्ज होगा उनसे ले सकते हैं। और सर्विस मतलब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा कि वो वॉल्यूम में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा। तो ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये काफ़ी स्किल्ड लेबर से काम किया जाता है, काफ़ी मतलब इसको ट्रेंड किया जाता है। तो क्या हमारे व्यूवर्स उस तरीके से ट्रेंड हो पाएंगे या फिर उनको भी इस तरीके से स्टाफ बिठाना पड़ेगा, लेबर बिठानी पड़ेगी, उनको यहाँ पर आना पड़ेगा, या फिर ट्रेनिंग के लिए आप कोई बंदा भेजते हैं, अपना कारीगर भेजते हैं, वो किस तरीके से किया जाता है? देखिए, कारीगर बनना और छोटे बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल सेम है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरीके से आपको आज की डेट में अगर कारीगर बनना है अपने सेल्फ में, तो आपको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब यह है कि आपको उस स्किल को सीखना है, और सीखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि सिखाने वाला आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सिखा देगा, मैक्सिमम 1 वीक आपको सिखा देगा। इसके बाद जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो कारीगर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। कारीगर आप 2 दिन में भी बन सकते हैं, 1 हफ्ते में बन सकते हैं, और 1 साल में भी नहीं बन सकते हैं। डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर के ऊपर और आप कितना आप उसके अंदर मन लगा रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि नहीं मुझे ये सीखना है और मुझे खुद बनाना है, तो आप विश्वास मानिए दूसरा दिन तब होगा जब आप खुद अपने हाथ से बैंड बना रहे होंगे। रही बात बहुत हाई प्रोडक्शन की, हाई प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हाई प्रोडक्शन इतनी जल्दी किसी का भी नहीं आ सकता है। इवन हमारे यहाँ जो कारीगर हैं ये भी बिल्कुल रफ थे, आज की डेट में ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो जब आप इसको शुरू करेंगे तो शुरू में आप 100 पीस एक दिन में बनाइए। कोशिश करिए कि अब 100 पीस के टारगेट को आपको ब्रेक करना है। नेक्स्ट डे 150, उसके आगे 200, उसके आगे 250। कोशिश करिए धीमे धीमे आप इसको बिल्कुल एकदम पीक पे पहुंचा दिए, जहां तक आपकी कैपेसिटी है वहां तक पहुंचाइए। और जहां पे आप इस पीक पे पहुंचा देंगे उससे फिर कभी नीचे मत आइए। अगर नीचे आ गए तो आपका मनोबल वहां गिरेगा, और हो सके तो उस पीक पॉइंट को भी तोड़ने का हमेशा प्रयास करें। जिस चीज़ में ज़्यादा मैकेनिज्म होता है, जितनी बड़ी मशीनरी होती है उसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है। तो लेकिन मैंने देखा कि आपका इसमें जो आप देसी जुगाड़ का हम नाम दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आफ्टर सेल सर्विस तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सेल सर्विस में सर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये हो रहता है कि कॉन्ट्रेक्टर्स के जो सैनविक्स होते थे वो बहुत जल्दी जल जाते थे, मान के चलिए करीब 3 से 4 महीने में जल जाते थे। तो एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक इसका आ जाता था, अब वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको भी कवर करने के लिए इसमें मैंने कुछ अच्छी क्वालिटी के कॉन्ट्रेक्टर्स भी लगा दिए, ताकि आपका सैनविक जो है उसके ऊपर लोड ना पड़े। अब लोड नहीं पड़ेगा तो वो जलेगा नहीं, तो उसको कवर करने अब कॉन्ट्रेक्टर लग गए हैं। रही बात हीटर की, हीटर आपके ख़राब नहीं होने वाले हैं। अब कुछ लोग आपके जो व्यूवर्स हैं वो कुछ डालेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है, तो वैसे ख़राब तो शरीर भी हो जाता है। तो खाली करना ये है कि पानी से बस बचा के रखिए हीटर के ऊपर, अगर ठंडा हीटर है तो उसके ऊपर
कोई बच्चा पानी ना डाल दे, बस इतना खाली कवर करना है, बरसात हो रही है तो थोड़ा सा बचा के रखना है, और कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चलाइए। एक साल से डेढ़ साल तक इसकी लाइफ होती है। आप कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे हैवेल्स, क्रॉम्पटन, ये ऐसी कोई मशीन तो है नहीं तो हम जो कोई गारंटी या वारंटी लें, हाँ बस आप पानी से बचा के रखिए, मशीन आपकी बहुत अच्छी चलेगी, और कोई कहीं दिक्कत आती है तो उसके लिए फिर मैं बैठा हूँ।